नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम बनाते हैं आलू गोभी हरी मिर्च के साथ। इसमें हमें बहुत कम मसाले लगेंगे हमारे। मैंने एक कढ़ाई में एक टेबलस्पून तेल ऐड किया है। इसमें देखिए मेथी दाना, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, सिर्फ इन मसालों के साथ हम बनाएंगे, और जीरा टमाटर के साथ आलू गोभी। देखिए मैंने आलू गोभी को भी मोटा मोटा काट लिया है और दो टमाटर भी लिए हैं। पहले मैं तेल में हींग ऐड करूँगी। हमारा तेल गर्म होने के बाद हम इसमें हींग ऐड करेंगे। अब इसमें मैं मेथी दाना डालूंगी। और ये जीरा डालूंगी। अदरक डाल दिए मैंने। अब हमारे ये मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम अपने प्याज ऐड करेंगे। देखिए अदरक का अच्छा सा बन गया है। ये अपने आप टूट जाएगा जब प्याज भुनेगी हमारी। अब हम प्याज को भुनेंगे। अब इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। हमारे लहसुन प्याज भुन जाए जब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब हरी मिर्च डाल लें हम इसमें। हरी मिर्ची पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादातर हरी सब्जियां हरी मिर्च में ही बनाएं। अब इसमें हम आलू और गोभी ऐड करेंगे। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी, फिर हल्दी डालूंगी और फिर डालूंगी नमक। अभी हम मिक्स करके 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। बीच बीच में खोल खोल के देखते रहेंगे सब्जी को लीड हटाकर। हमारी 15 मिनट के अंदर सब्जी बन जाएगी। हम इसे स्लो गैस पे बनाएंगे। हमें बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है गैस, बिल्कुल स्लो कर देनी है और लीड को अच्छे से ढक देना है ताकि इसकी जो भाप बनेगी, जो स्टीम बनेगी वो बाहर नहीं आनी चाहिए और सब्जी हमारे अच्छे से गल जाएंगी। देखिए 10 मिनट बाद हमारी सब्जी गोभी आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब इन्हें 5 मिनट के लिए फिर पकाऊंगी मैंने अच्छे से काट के सब्जी को। देखिए 15 मिनट बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ऊपर से मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ। देखिए हमारी सब्जी पूरी तरह से बन चुकी है। हरी मिर्च में सब्जी टेस्टी भी बनती है और अच्छी भी लगती है और फ़ायदेमंद भी होती है। बस ये कि मिर्ची आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ी कम ज़्यादा जैसे भी डालना चाहें। ना इसमें गर्म मसाले ना धनिया। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।